शेयर दोस्तों। अभी आपने जो सच्ची में वीडियो देखी ये टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो ये वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई हुई थी, तो काफी दोस्तों के कमेंट है कि इलियास भाई हमें इस वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए, तो इसलिए इस वीडियो का ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। बस दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा बात करना होगा, वीडियो को जरा स्किप मत करना नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल पर सब्सक्राइब और वीडियो कर दी लाइक, ताकि मेरी फोन वीडियो तक आराम से पहुंच सके। और दोस्तों इस वीडियो में जिस मटीरियल की यूज करने वाला हूँ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और म्यूजिक लिंक भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसलिए आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को हम कब कट ऐप से बनाने वाले हैं तो उसके लिंक भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह दोस्तों आपके मन में कोई क्वेश्चन या फिर कोई सवाल होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट रिप्लाई जरूर करूँगा। तो इससे पहले दोस्तों ये वीडियो नहीं है जो कि सेकंड भी आपको थोड़ा नजर आ रहे हैं, अभी तक आपने ये वीडियो वॉच नहीं की तो ऊपर आई वाला बटन मैं इसके लिए दे दूंगा, तो इसलिए आप इसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना बहस के अपने बैक से की तरफ चलते हैं और मैं आपको बता दूँ किस तरह से हमें वीडियो को एडिट करना है और किस तरह से हमें वीडियो को शूट करना है। तो दोस्तों मैं बैल स्क्रीन की तरफ आ चुका हूँ, आपको कपकट ऐप को डाउनलोड करके इसको ओपन कर देना है, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जो वीडियो आपको शूट करनी है। तो वीडियो आपको किस तरह से शूट करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपने वीडियो को शूट करना है, तो आप देख ले, आपको मोबाइल ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए। वीडियो शूट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से कर देंगे सेलेक्ट और उसको यहाँ से कर देंगे ऐड। ऐड करने के बाद दोस्तों मतलब आप वीडियो पर सिलेक्ट करेंगे और इसके वॉल्यूम में जाएंगे, इसके वॉल्यूम को हम बंद कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे एडजस्ट में और इसके ब्राइटनेस को थोड़ा सा हम लो कर देंगे। लो करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम जाएंगे बैक, बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ जाएंगे अवरले में, अवरले में जाने के बाद दोस्तों ऐड अवरले में फिर जाएंगे और दोस्तों आपने यहाँ जाना फोटो में। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से मून वाले पीएनजी जो भी है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, तो उसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से कर देंगे ऐड। ऐड करने के बाद दोस्तों आप यहाँ जाएंगे स्प्लाइस में, स्प्लाइस में जाने के बाद दोस्तों इसको आप कर देंगे फिल्टर। फिल्टर करने के बाद दोस्तों यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों आपने इसको छोटा कर देना है और इसको पकड़ के ऊपर कर देंगे, स्काई पे रख देंगे इसको। इसके बाद दोस्तों इसका लेंथ थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। लेंथ बढ़ाने के बाद दोस्तों मतलब आप मून वाली पिक पर सेलेक्ट करेंगे, मतलब प्लस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों अपने वीडियो को आगे करना है और दोस्तों हम उस पोजीशन में जाएंगे जब मैं अपने हाथ को आखिरी बार नीचे की तरफ करता हूँ। तो तकरीबन यहाँ पर आने के बाद दोस्तों इसको मून को पकड़ेंगे हम, इसको तकरीबन इधर ले आएंगे और थोड़ा सा कर देंगे बड़ा। तो अब हम वीडियो को प्ले करके देखते हैं हमारी वीडियो यहाँ से अच्छी बनी है कि नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इतनी वीडियो हमारी अच्छी बन चुकी है। इसके बाद दोस्तों मतलब आप अपनी वीडियो पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे प्लस वाले ऑप्शन में। दोस्तों टाइमलाइन में आपने उस जगह पे जाना है जब आपका मून ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। दोस्तों तकरीबन हम यहाँ पर आएंगे, तो तकरीबन यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हम यहाँ से जाएंगे आगे, यहाँ पर एडजस्ट में जाएंगे और इसके ब्लैकनेस को थोड़ा सा हम हाई कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों अपने यहाँ जाना बैक, बैक जाने के बाद दोस्तों ऐड अवरले में फिर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अपने स्काई वाली वीडियो को सेलेक्ट करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से कर दूँगा ऐड। ऐड करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से कर देंगे जूम और दोस्तों इसको हम इतना रखेंगे जितना हमारा स्काई होगा। यह करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पर हमें लेयर वाला ऑप्शन मिल जाए, सिंपली हम इसमें जाएंगे और उसको वन पे कर देंगे। वन पे करने के बाद दोस्तों यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों अपने यहाँ से आगे जाना है, यहाँ पर आपको मास्क वाला ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली हम इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद दोस्तों यहाँ से कर देंगे स्प्लिट और एरो को ऊपर से नीचे कर देंगे। ये करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों अपने इसके कलर में जाना है, जिस में जाएंगे और उसके सैचुरेशन को थोड़ा सा हाई कर देंगे। इसके बाद दोस्तों एक्सपोज में जाएंगे और इसको भी थोड़ा सा हाई कर देंगे, यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों जितनी आपकी वीडियो होगी आपने इस पोजीशन पे आना और इसको आपने दोस्तों अपनी वीडियो के मुताबिक रख लेना है। एंड में वाटर मार्क बच जाते, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ से कर देंगे डिलीट और दोस्तों हम वीडियो के शुरू में आएंगे। इसके बाद दोस्तों हम उस पोजीशन पे आएंगे जब मून को हम हाथ में पकड़ने वाले होते हैं। इस पोजीशन पे आने के बाद दोस्तों मतलब आप मून वाली वीडियो पे सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने इसको कर देना स्प्लिट, ये मून वाली वीडियो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से आगे जाना और दोस्तों उसको आपने कर देना कॉपी, तो ये मून वाली वीडियो हमारी कॉपी हो जाएगी और इस वाले को पकड़ेंगे, फिंगर से प्रेस करेंगे और इसको हम आगे को लेके जाएंगे, उस पोजीशन पे लेके जाएंगे जहाँ पर हमने मून वाली पिक को स्प्लिट किया था। तो मैं उस पोजीशन पे चले जाता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये जो मून वाली पिक है इस पर आप सेलेक्ट करेंगे। इस पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे मास्क में, इसको कर देंगे स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपने करना कुछ नहीं है, बस इसको आपने यहाँ से कर देना ओके। ओके करने के बाद दोस्तों आप नीचे वाली मून वाली पिक पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगेन दोस्तों हम मास्क में फिर जाएंगे, मास्क में चले जाता हूँ, इसको भी कर देंगे स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद दोस्तों इसको आपने दो फिंगर से कर देने, ऐसे रोटेट कर देंगे इसको। ये करने के बाद दोस्तों आपने ऐसे कर देना ओके। ओके करने के बाद दोस्तों अगेन आप नीचे वाली पिक पर सेलेक्ट करेंगे और दोस्तों आपने यहाँ जाना प्लस वाले ऑप्शन में और दोस्तों आपने यहाँ से वीडियो को आगे करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका हाथ नीचे आ रहा है, तो इसको आपने पकड़ के ऐसे नीचे कर देना, अपने हाथ पे रख देना इसको आपने। इसके बाद अगेन आप वीडियो को फिर आगे करेंगे, हाँ जहाँ पर आपका हाथ जाएगा आपने इसको वहाँ वहाँ पर रखते जाना, तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। इसके बाद अगेन हम वीडियो को फिर आगे करेंगे, हमारा हाथ ऊपर को जा रहा है, इसको भी हम ऊपर को कर देंगे ऐसे। आप अच्छे से कर लेना, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद अगेन हम वीडियो को फिर आगे करेंगे, इसको हम थोड़ा इस साइड पर कर देंगे,
अगेन वीडियो को फिर आगे करेंगे। तो 4 सेकंड पे आने के बाद दोस्तों इस पिक को हम कर देंगे स्प्लिट, ये पिक 200 में कन्वर्ट हो जाएगी और दूसरे पिक को हम पकड़ेंगे यहाँ से कर देंगे डिलीट। इसके बाद दोस्तों हम ऊपर वाली पिक पे सेलेक्ट करेंगे, इसको भी यहाँ से कर देंगे स्प्लिट, ये भी 200 में कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरे पिक को पकड़ेंगे और उसको यहाँ से कर देंगे डिलीट। यह करने के बाद दोस्तों अपने यहाँ से आगे जाना, तकरीबन इस पोजीशन पे आने के बाद दोस्तों अपने यहाँ जाना ओवरले में, ओवरले में जाने के बाद दोस्तों अपने यहाँ से ऐड ओवरले में फिर जाना और दोस्तों अपने इस ग्लासिक वाली पिक को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से कर देंगे ऐड। ऐड करने के बाद दोस्तों उसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा करने के बाद दोस्तों उसको हम इस साइड पे रख लेंगे और एक मतलब दोस्तों हम प्लस पे जाएंगे और वीडियो को थोड़ा सा आगे करेंगे और उसको इस साइड पे ले आएंगे ऐसे। ये करने के बाद दोस्तों आपने वीडियो को थोड़ा सा आगे करना है जब आप दूसरी साइड की तरफ मूव करते हो, तकरीबन इस पोजीशन पर आने के बाद दोस्तों आप यहाँ से कर देंगे बैक। बैक करने के बाद दोस्तों ऐड वाले में फिर जाएंगे और दोस्तों यहाँ से आप शूज़ वाली पिक को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा सा कर देंगे छोटा और इसको ला के इधर रख देंगे और यहाँ से जाएंगे प्लस में, वीडियो को थोड़ा सा आगे करेंगे और उसको इस साइड पे कर देंगे ऐसे। बाद दोस्तों आप वीडियो को शुरू में आएंगे, यहाँ से जाएंगे बैक, बैक जाने के बाद दोस्तों आप ऑडियो में जाएंगे, ऑडियो में जाने के बाद दोस्तों एक्सट्रैक्ट में जाएंगे, म्यूजिक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा ये म्यूजिक इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से कर दूँगा इम्पोर्ट साउंड। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं म्यूजिक हमारा आगे लग चुका है। इसके बाद दोस्तों हम वीडियो के आखिर में जाएंगे, वीडियो के आखिर में आने के बाद दोस्तों जितनी हमारी वीडियो की बाकी पार्ट को भी हम उतना रख लेंगे, तो इसको यहाँ से करेंगे क्लासिक वाली वीडियो पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर देंगे स्प्लिट, क्लासिक 200 में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको यहाँ से कर देंगे डिलीट। इसके बाद दोस्तों नीचे वाली पिक पे सेलेक्ट करेंगे, इसको भी यहाँ से कर देंगे स्प्लिट और यहाँ से इसको कर देंगे डिलीट दूसरे पार्ट को। इसके बाद दोस्तों अपने म्यूजिक पे सेलेक्ट करना है, यहाँ से इसको भी कर देंगे स्प्लिट, इस वाली इससे पे सेलेक्ट करके और म्यूजिक को यहाँ से कर देंगे डिलीट। तो वीडियो हमारी बन के तैयार हो चुकी है, तो मैं वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए दोस्तों हम यहाँ जाएंगे एक्सपोर्ट में, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो हमारी एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुकी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दी लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब ताकि नई वीडियो हो वीडियो भी आपका आराम से पहुंच सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।